समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अंजलि राजपूत, आज मैं गढ़कोट मेरठ में हूँ और सतबीर त्यागी विधायक जी के यहाँ हूँ। आइए उनसे बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने लोगों की इतनी मदद की है। जैसे कि मैं यहाँ पे सर्वे कर रही थी तो लोगों ने मुझे बताया कि जो सतबीर त्यागी विधायक जी हैं यहाँ से, वो बहुत ही अच्छे हैं और सबको निःशुल्क सेवा कर रहे हैं, सबकी बहुत मदद कर रहे हैं। तो आइए मैं उन्हीं से पूछती हूँ कि किस तरीके की मदद की जा रही है लोगों की। सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार आपका। सर आपका पूरा परिचय जानना चाहूंगी मैं। सतबीर त्यागी मेरा नाम है, मैं विधायक हूँ किठोर विधानसभा क्षेत्र मेरठ से। मेरठ देहात का क्षेत्र पड़ता है, किठोर विधानसभा क्षेत्र जी। सर आप यहाँ पे लोगों की बहुत मदद की है कोरोना काल के उसमें, मतलब वो चाहे राशन का हो चाहे किसी भी तरीके का मदद हो। नहीं नहीं हम लोगों ने तो निःशुल्क सेवा की है, और पहले भी जो कोरोना काल पहला पीरियड था जी, उसमें भी हमने राशन लोगों को तमाम तरह की सुविधाएं, जो भी आटा राशन बांटने का काम पहले किया था जी। और अभी भी हमने पूरे सभी गांव में अपने विधानसभा क्षेत्र के लगभग 147 गांव में सभी में हम एक ऑक्सीमीटर और एक किट में जो है उसमें ऑक्सीजन नापने का ऑक्सीमीटर होता है, उसमें थर्मामीटर, एक हमारा एक उसमें मास्क होते हैं जी। और उसमें जो है पूरा हाथ से हाथ में पहनने के जो दस्ताने होते हैं जी। और एक सैनिटाइजर का बोतल उसमें होता है। तो हमने अपने कार्यकर्ताओं को जो हमारे सहयोगी हैं उनको सबको जो है इस काम में लगाया हुआ है, और गांव गांव जाकर के वो भी जो है अपने माध्यम से अपने तरीके से पूरी मेहनत से लगन से और अपने जान को जोखिम में डाल करके हमारे भाजपा के कार्यकर्ता, हमारे तमाम बूथ अध्यक्ष, हमारे तमाम जो सहयोगी हैं जो सहायक हैं वो सब इस काम में जुटे हुए हैं। और जो प्राथमिक लक्षण दिखाई देता है उसको जो संबंधित CSC PSC या जो अस्पताल हैं सरकारी उनमें उसको जो है उनकी रिपोर्ट वो रिपोर्टिंग वहाँ भी करते हैं और हमारे पास भी करते हैं। वैसे तो मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, और माननीय प्रधानमंत्री जी के देखरेख में जो बहुत ही जल्दी कोरोना को कंट्रोल करने का जो प्रयास हुआ है बहुत ही सराहनीय प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, मैं इनका बारम्बार इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसके बाद भी मैं जिला प्रशासन में भी हमारे बड़े अधिकारियों ने और नीचे तक सारे लोगों ने जो सहयोग करके इसको कंट्रोल करने का काम किया है, और इसकी गति लगभग बहुत धीमी अब हो गई है। अब कोई नए मरीज बहुत कम मिल रहे हैं और डेथ रेट भी बिल्कुल ना के बराबर हो गया है, लेकिन फिर भी मैं अभी भी जो है इस हम लोग इस प्रयास में हैं, माननीय सारे जनप्रतिनिधि हमारे और सारी पार्टी के संगठन के हमारे नेता कार्यकर्ता अध्यक्ष सब इस कोरोना काल को जो है पूरी तरह से चुनौती के रूप में ले रहे हैं, और हमने काफ़ी हद तक जो है इसमें सहयोग करने का काम प्रशासन को भी सरकार को भी और अपने क्षेत्रवासियों को भी किया है। इसमें कोई गांव ऐसा नहीं बचा है कि जिसमें हमने ये किट ना भिजवाई हो, और इस किट के साथ साथ हमने जो भी दूसरे जिनकी जिस तरह की जो मांग आ रही है उसमें भी हम जो है काम कर रहे हैं। हमने अपना ऑफिस का जो हमारा नंबर है 01212600400 इसको हमने 12 घंटे यहाँ हम चार लड़के हमारे बैठते हैं और हमारे सहयोगी जो भी रिपोर्ट क्षेत्र से आती हैं, जो भी इस तरह की भी शिकायतें आती हैं उनको हम दूर करने का संबंधित कार्यालयों को संबंधित अधिकारियों को संबंधित विभागों को जो है हम जानकारी से कराते हैं। और मैं भी अभी पिछले जितने कोरोना से लोग जिनकी मृत्यु हुई है उन परिवारों में मैं गया था, लगभग पिछले 10-15-20 गांव में मैं गया हूं, और वहां पर जिन लोगों की इस कोरोना से मृत्यु हुई है उनको अपने सारे अधिकारियों को वीडियो, तीनों ब्लॉकों की वीडियो और यहाँ के कर्मचारी सेक्रेटरी और पटवारी
उनको लेकर के मैं गया था गांव गांव, और मैं गांव में उनकी लिस्ट मैंने बनवाई जो जिनके कोरोना से जिनकी मृत्यु हुई है या जिनको जो है जो कोरोना से पीड़ित रहे हैं, या ऐसे भी लोग जो बेचारे कोरोना के वजह से जो है जिनको साइड इफेक्ट या जिनकी मृत्यु हुई है, ऐसे कई उदाहरण हैं। मैंने अपने निजी प्रयास से भी आर्थिक मदद करने का पूरा कई जगह मैंने आर्थिक मदद अपने आप ही की है, और यहाँ भी जो लोग आते हैं आर्थिक मदद के लिए भी उसके लिए भी मैं तत्पर हूँ। वैसे तो आता है कि जो भी आपके यहाँ आता है वो खाली नहीं जाता है। जी जी हाँ, प्रयास करते ही करते हैं। जी जी प्रयास यही रहता है कि जो पीड़ित है या जो पात्र है, जो कहीं से किसी ना किसी तरह से छूट गया है, जिसकी मदद नहीं हो पा रही है, मैं बिल्कुल उसकी मदद करता हूँ और मैं दिल खोल कर मदद करता हूँ। मुझे हमेशा मेरा ये स्वभाव है, ये राजनीति से अलग हटकर मैं समाज सेवक भी हूँ, समाज के लिए काम में मेरी दिलचस्पी बहुत रहती है। तो मैंने आपको जो बताया कि हमारे तमाम हमारी सप्ताह में एक मीटिंग होती है अधिकारियों के साथ में, हम जो भी खामियां हैं, जो भी कमियां हैं, जो भी इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं क्षेत्र में, उनको अवगत कराते हैं। मैं अभी 3 CSC केंद्रों पर जो हमारे किठोड़ विधानसभा के हैं उसमें माचरा, भावनपुर और करपोदा, अभी कल परसों मैं वहाँ भ्रमण करके आया हूँ। मैंने वहाँ चेकिंग की है, मैं सारे स्टाफ को वहाँ ले गया, सारे डॉक्टर्स वहाँ थे। वहाँ जो कुछ कमियाँ हैं, मान लिया कहीं अभी स्टाफ की कमी है, कहीं NM की कमी है, कहीं बिल्डिंग में कुछ दिक्कत है, कहीं बेड में कोई दिक्कत थी, तो उनको दूर कराने का पूरा ऊपर तक हमने रिपोर्ट भेजने के लिए लोगों से कहा है। मैंने अपनी निधि से भी 25 लाख रुपये माचरा में ऑक्सीजन गैस प्लांट और कंटेंट्रेटर के लिए जो है कंसनट्रेटर के लिए हमने अवगत कर दिए हैं प्रशासन को, वो भी जल्दी ही जो है उसका काम शुरू हो जाएगा। उसको जमीन को भी हम देख कर आए हैं, और दूसरे ब्लॉकों में भी जैसे खरकोदा है, जैसे रजपुरा है, उसमें भी हम लोग लगातार जो है प्रयास में हैं। और निश्चित तौर पर हम और हमारी सरकार और हमारे नेता, हमारा संगठन, हमारी पार्टी, मैं बधाई देता हूँ हमारे संगठन को, पार्टी को, और अपने मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को, और ख़ास तौर से जो संघ हमारा, जो हमारा संघ परिवार है, उसने जो बढ़ चढ़ करके इसमें भाग लिया है, लोगों को भोजन पहुँचाना, लोगों को तो परीक्षण करना, और मैं उनके लिए भी जो है हृदय से उनका धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने इस महामारी के दौर में, ये सदी की सबसे बड़ी महामारी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, जिसके बारे में कुछ सोचा नहीं जा सकता था, उसमें आकर के जो है हमारे कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने का काम किया है। मैं उनके लिए भी उनको साधुवाद देता हूँ। क्या सर, मैं ये पूछ सकती हूँ कि क्या आने वाले कुछ टाइम में इस साल ये बीमारी खत्म हो जाएगी लगभग? अभी दरअसल फंगस वाला जो केस आ रहे हैं वो कुछ बढ़े हैं, और उस पर भी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है, उस पर जल्दी जो है बात करने का कंट्रोल हो गया लगभग। उस पर अभी थोड़ा उसमें प्रयास किया जा रहा है, जल्दी जो है उसको भी कंट्रोल किया जा रहा है। तो सर, अपने देशवासियों से, ग्रामवासियों से कुछ अपील करना चाहेंगे कि मतलब 2 गज की दूरी, मास्क और सैनिटाइजर इस तरीके का प्रयोग करते रहें, अभी तक ये बीमारी खत्म नहीं हुई है संपूर्ण रूप से, तो इसके लिए मतलब अभी भी दूरियां बना के रखें, कुछ अपील करना चाहेंगे ऐसे हमारे चैनल के माध्यम से? जी जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र के तमाम नागरिकों से, सम्मानित कार्यकर्ताओं से, अपने साथियों से और यहाँ की बहुत आदरणीय जनता से अपील करना चाहता हूँ कि पहला जो कार्यकाल था इसका कोरोना का, उसमें शहर में ज़्यादा इसको चपेट में गया था, इस बार गांव में इसको जो है, इस बार जो है गाँव में जो है ये बहुत तेज़ी से फैला है, और इसको रोकने के लिए इसको पूरा प्रयास हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं, हम उन्हें जागरूक कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर जो प्रधानमंत्री जी का कहना है कि 2 गज की दूरी और मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करें, और घर से बाहर जब भी जाए, जब बहुत ज़्यादा जरूरत हो घर में रहें और अपने परिवार का और अपना ध्यान रखें। सर, क्या आप ऐसा मानते हैं कि जैसे कि ये चुनाव जो हुआ था उससे गांव में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है बीमारी को लेकर?
ऐसा नहीं मैं मानता, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत प्रभाव तो पड़ता ही है यहाँ, क्योंकि वहाँ पे भीड़ भाड़ हुई है काफी। नहीं उस तरह का नहीं था, ज्यादा भीड़ भाड़ तो हुई है, लेकिन ज्यादातर लोगों ने वहाँ। देखिए सर का कहना है कि ये बीमारी अब भी खत्म नहीं हुई है, अब भी आपको मास्क सैनिटाइजर और 2 गज दूरी बहुत जरूरी है, इसका ध्यान रखें और साबुन से हाथ धोते रहें, क्योंकि अगर आप ये दूरियां बना के रखेंगे तो ये बीमारी को हम जड़ से खत्म कर पाएंगे, क्योंकि अभी ये बीमारी फैलती जा रही है, पहले शहरों में थी अब गांव में है, तो इसलिए आप लोग ध्यान रखें। मेरा भी यही कहना है कि आप लोग मास्क सैनिटाइजर और ये 2 गज दूरी का ध्यान रखें। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, धन्यवाद।